खबरों में सबसे पहले बात रांची की, जहां के सदर थाना क्षेत्र से पुलिस ने कैश वैन से धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें आपको कि दिसंबर 2019 में एसआईएस कैश सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के कर्मियों ने बैंक के एटीएम में जमा करने वाले 4,07,53,000 रुपए धोखाधड़ी कर गबन कर लिए थे। पुलिस ने मामले में दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के पास से 92,96,500 रुपए बरामद किए गए हैं। और ज्यादा जानकारी लेते हैं सहयोगी इमरान से, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इमरान, बड़ी सफलता मानी जाए क्योंकि ये बड़ा मामला था, करोड़ों रुपए के गबन का मामला था और अब पूरा खुलासा भी हो पाएगा। देखिए बिल्कुल, रांची के सदर थाना क्षेत्र में दिसंबर 2019 में यह पूरा मामला आया था सामने, जहां 4,75,00,000 रुपए से अधिक की धोखाधड़ी का यह पूरा मामला था। ऐसे में इस पूरे मामले पर जब रांची पुलिस ने जांच किया, जांच के उपरांत में पहले भी लगभग 2 करोड़ रुपए से अधिक के जो पैसे हैं वो बरामद कर चुके हैं और आज एक बार फिर से रांची पुलिस ने लगभग जो है 92,96,500 रुपए जो है वो बरामद किए गए। इस पूरे मामले में दो आरोपी जो है राजकुमार और प्रभास कुमार को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से ही ये सारे पैसे बरामद किए गए हैं। ये सभी एटीएम के जो एसआईएस कैश सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के एक सभी कर्मचारी थे, जो कि बैंक से पैसे लेकर के एटीएम में ट्रांजेक्शन के लिए डाले जाते थे, लेकिन एटीएम में पैसे को ना डाल करके ये सभी धीरे धीरे अपने पास रख लेते थे और इसकी लिखित शिकायत रांची के सदर थाना क्षेत्र में की गई थी। इसके आधार पर इस पूरे कांड को दर्ज किया गया था और इस कांड के अनुसंधान के क्रम में ही इस दो व्यक्ति का नाम आया और जब इन दोनों व्यक्तियों के घरों पर जब तलाशी की गई, छापेमारी की गई, इनके पास से लगभग 92,96,500 रुपए 500 जो है ये बरामद किए गए हैं। रांची पुलिस ने लगभग इस कांड का उद्भेदन कर दिया है, कुछ लाख रुपए और बरामद करने की बात सामने आ रही है, लेकिन रांची पुलिस की माने तो ये भी जो है वो कुछ दिनों में बरामद कर लिए जाएंगे। 4 करोड़ रुपए अब तक इस पूरे कांड में बरामद किए जा चुके हैं और कुछ जो है अन्य जो लोग जो शामिल थे उनकी गिरफ्तारी के बाद जो अन्य रकम है वो भी बरामद की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ा मामला, तकरीबन 4 करोड़ से ज्यादा का ये मामला और दो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और कैश सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जो एसआईएस है उसके कर्मी ही शामिल थे।